बॉर्डर पर कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहकर सेना में तैनात जवान के साथ अपराध को पुलिस कितनी गंभीरता से लेती है, इसका बड़ा उदाहरण ग्वालियर में देखने को मिला, जब ठगों के झांसे में आने वाले एक सैनिक ने अपना घर मकान बेचकर बिजनेस के लिए पैसा लगाया और सैनिक के साथ जालसाजों ने 40 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दे दिया। ग्वालियर के आदित्यपुरम में रहने वाले सत्यवान सिंह सशस्त्र सीमा पर तैनात हैं, जिनसे जालसाजों ने बिजनेस पार्टनर बनाने का झांसा देकर 40 लाख रुपए ठग लिए। तीन युवकों ने रोड लाइंस के काम में हर महीने हजारों रुपए कमाने के झांसे में लेकर 40 लाख रुपए बिजनेस में लगवाए और इसके लिए उन्होंने अनुबंध भी किया था, जिसमें 90,000 रुपए हर महीने कमाने और 40% के हिसाब से 38,000 रुपए लाभांश देने का वादा किया गया था। लेकिन जब समय आया तो ना तो प्रॉफिट दिया ना ही रुपए लौटाए, उल्टा बंदूक दिखाकर जान से मारने की धमकी दे दी, जिसकी शिकायत सैनिक ने थाने में की है। वहीं पुलिस ने ठगी करने वाले तीनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है नीरज शर्मा, अनुराग चौहान और सूरज अरसाना के द्वारा, और इन लोगों ने धोखाधड़ी से मुझे गुरुकृपा रोड लाइन्स करके इनकी एक फर्म है इनके मामा की, उसका नाम लेके बोला इस फर्म में आपको पार्टनरशिप देंगे, उसका नाम लेके मेरे मुझसे पैसे ले लिए हैं, हड़प लिए हैं और वापस नहीं दे रहे हैं। जब पैसे की वापस मांग कर रहे हैं तो आए दिन ये धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने मुझे बंदूक भी लगा दी थी बीच में एक दिन मेरी छाती पे, मुझे मारने की धमकी दी और साफ साफ शब्दों में इन्होंने थाने में भी, जब हमने लेके गए तो थाने में भी ये बोला कि अभी तो तुम्हें बंदूक लगाई है, अभी तुम्हारा जाने क्या करेंगे। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में डीडी नगर में जो है सत्यवान सिंह एक फरियादी हैं जो आर्मी में नौकरी करते हैं, उनके रिलेटिव थे, उनके परिचित थे, रिलेटिव भी थे और परिचित थे अनुराग चौहान, नीरज शर्मा। इन्होंने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनकी जो फर्म है उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर दें तो अच्छा लाभ मिलेगा। उन्होंने विश्वास करके एग्रीमेंट करके 40 लाख रुपए उस फर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिया और इसके बाद ना तो उनको उनका जो पैसा था वो रिटर्न करा, ना उनको जो इंटरेस्ट था वो उसमें कोई भी फ़ायदा वगैरह नहीं दिया। उन्होंने परेशान होकर उनके विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनकी रिपोर्ट पर से धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है और विवेचना कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।